हे गाइस मेरा नाम है पराग पाल और आपका स्वागत है मेरे इस नए लेक्चर में तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वॉल लोड्स के बारे में लेकिन इसके पहले मैं आप सब लोगों को एक बताना चाहूंगा कि हमारा जो स्टैट्रो सॉफ्टवेयर है इस साइड स्टेट्रो सॉफ्टवेयर में हमें हमारे पास ग्रेविटी लोडिंग्स का एक फंक्शन होता है अभी ग्रेविटी लोडिंग्स मतलब होता क्या है एक्चुअली जो हमारे डेड लोड्स होते हैं पूरे स्ट्रक्चर के ये हमारा स्टैट्रो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है ओके okay, तो इसलिए हमें हमारे डायमेंशन का रिस्पेक्ट में हमें उसको डेड लोड प्रोवाइड नहीं करने होता है ठीक है हमें वो लोड प्रोवाइड करने होते हैं जो वो नहीं जानता है जैसे कि विंड लोड 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 अर्थवेक वॉल ओके लाइव फ्लोर फिनिश तो लास्ट वीडियो में जो मैंने स्लैब लोडिंग के बारे में आपको बताया था ठीक है कि जो डेड लोड होता है ओके okay, वो किस तरीके से निकालते हैं मैंने आपको बताया था बट डेड लोड हमें निग्लेक्ट करना है बिकॉज वो खुद स्टैट्रो कंसिडर करता है ओके okay? हमें सिर्फ लगाना है लाई लोड ओके और हमें लगाना है लगाना है फ्लोर फिनिश बेसिकली लाइव लोड भी हम वन किलोमीटर लगाते जो लोग मैक्सिमम जो डिजाइन करते हैं वन लगाते हैं लेकिन आपको टू लगाना है फॉर द मोर सेफ्टी फिगर्स ठीक है तो हमारा जो स्लैब लोड रहेगा दैट विल बी 5.42 ओके और आज हम निकालने वाले वॉल लोड जो आपके बीम के ऊपर कितना लगने वाला है तो हमारे पास टू हंड्रेड mm की वॉल है ठीक है बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अंदर पार्टीशन वॉल यूज करते हैं तो अगर आपकी पार्टीशन वॉल मान लो 150 फिफ्टी mm एम की है ठीक है तो आप 150 फिफ्टी mm एम भी कंसिडर कर सकते हैं तो आपको 150 फिफ्टी mm एम के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन करके मुझे बताना है कि आपका कितना लोड आ रहा है ओके okay, तो देखिए वॉल लोडिंग के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है फर्स्ट यूनिट टू गो फॉर यूनिट टू लर्न वॉट इज अ डेंसिटी ओके वॉट इज अ डेंसिटी ऑफ वॉल ओके ऑफ ब्रिक वॉल एंड द डेंसिटी द डेंसिटी ओके वेट द डेंसिटी द डेंसिटी ऑफ प्लास्टर ठीक है तो डेंसिटी ऑफ वॉल हम कंसीडर करते हैं 19 ओके एंड डेंसिटी ऑफ प्लास्टर हम कंसीडर करते हैं 20 ओके तो इसका जो वॉल लोड रहेगा वो इस तरीके से कैलकुलेट होगा द वॉल लोड इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 0.23 मतलब एमएम इस ये एमएम mm एम में है तो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया ठीक है हमारी थिकनेस 230 है तो इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया इन टू डेंसिटी ऑफ वॉल ओके प्लस इन ब्रैकेट जीरो पॉइंट है ओके okay, ओके तो यहाँ पे मैं कर देता पहले okay, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूं यहां से ओके दिस इज माई मीटर वैल्यू मेट्रिक वैल्यू सो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस इन ब्रैकेट दिस विच इज अ थिकनेस ऑफ प्लास्टर इंटू टू क्योंकि दोनों साइड से हम थिकनेस करेंगे तो मतलब दोनों साइड से हम प्लास्टर प्रोवाइड करेंगे ब्रैकेट कंप्लीट इन टू द डेंसिटी ऑफ प्लास्टर ठीक है तो यह हो गया आपका फोर पॉइंट एट फाइव किलो न्यूटन पर स्क्र मीटर ठीक है ये हो गया वॉल लोड फॉर मीटर स्क्वायर मेट्रिक स्क्वायर ना अभी मानके चलो अगर आपकी हाइट ओके okay, अगर आपकी हाइट ओके okay, हाइट ऑफ फ्लोर ओके हाइट ऑफ फ्लोर इज थ्री मीटर अगर आपकी हाइट ऑफ फ्लोर कितनी है तीन मीटरिक है तो उसका टोटल लोड कितना रहेगा टोटल लोड कितना रहेगा तो वो इस तरीके से निकलेगा हाइट ऑफ द फ्लोर इन वॉल लोड ओके जो रहेगा वो ये रहेगा आपका किलो न्यूटन ओके okay? किलो न्यूटन पर स्क्वेर मीटर नाउ अभी ये हमने निकाला अभी मान के चलो अगर आपकी हाइट ऑफ द फ्लोर 4.4 मीटर है तो ये इतना हो जाएगा ठीक है लेकिन यह हमारा मैनुअल कैलकुलेशन है अगर आप इस वैल्यू इस वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली आयस कोड को फॉलो कर सकते हैं हमारे पास कोड 875 पार्ट आयोटी 1987 है जिसके टेबल नंबर वन के क्लॉज नंबर 13 में दिखा है कि अगर आपकी ब्रिक अगर आपकी ब्रिक कॉमन बर्न क्ले ब्रिक है तो आपको फिफ्टीन टू एटीन इतना मीटर मीट्रिक स्क्वायर आपको अमाउंट लेना है अगर आप इंजीनियरिंग ब्रिक यूज़ कर रहे हैं तो आपको 21.20 वन पर मीटर स्क्वायर इतना लोड लेना है अगर आप हेवी ड्यूटी मतलब ब्रिक ले रहे हो तो आपको 24 लेना है तो इन सबका अगर मैं एवरेज भी निकालू तो आपका जो लोड आता है वो एवरेजली 20 टू 22 टू न्यूटन के बीच में आता है ठीक है तो अगर आपको आपके वॉल का जो लोड आता है वो अगर आपको असाइन करना है आपके बीम के ऊपर तो आप उसको यूजुअली 24 फोर किलोमीटर आप असाइन कर सकते हैं फॉर मोर सेफ्टी फिगर्स ठीक है तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा हमने ये सीखा कि हमको कौन कौन से लोड असाइन करने होते हैं नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको फाइनल लोडिंग बताऊंगा जो हम हमारे जी प्लस वन बिल्डिंग के एनालिसिस के लिए असाइन करेंगे ठीक है हैव हैवे ने बाय